हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साक्षी चौरसिया। वेल, अगर हम आज का मार्केट देखें तो आज का हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन 2000 पॉइंट डाउन था। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सभी चीज़ें डाउन थी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आ रहा है दैट कि क्या सच्ची में स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग, बिकॉज अगर आप न्यूज़ चैनल्स में देखिए, आप जहाँ पर भी देखेंगे ग्लोबल मार्केट, सभी मार्केट रेड हैं। न्यूज़ में भी यही चल रहा है दैट कि स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग, बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, एवरीथिंग। ये सब स्टॉक मार्केट आई मीन टू से न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है। तो क्या सच में स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग या फिर ये सिर्फ पैनिक है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि क्यों ग्लोबल मार्केट डाउन है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन था, हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या हमें हमारे पोजीशंस को सेल ऑफ कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, या फिर ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। हम सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि क्यों आज हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन था। अगर आप देखें तो जो निफ्टी है वो 600 पॉइंट्स डाउन था, बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट्स डाउन था, सेंसेक्स मोर देन 2000 पॉइंट डाउन था। मोर देन हमारे तीनों ही मार्केट 2% से अप्रॉक्सीमेटली डाउन थे। अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चाहे वो नेस्डेक हो, चाहे जापान का मार्केट हो, सभी मार्केट अभी आपको रेड सिनेरियो में दिख रहा है, सभी मार्केट डाउन है। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले हम इसका रीज़न समझते हैं। तो गाइज़, अगर इसका रीज़न की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आई मीन टू से सबसे फॉरमोस्ट रीज़न है इसका कि यूएस मार्केट में जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया है वो कुछ अच्छा नहीं आया है। वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण सबको लगता है कि यूएस में इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। एंड वी ऑल नो दैट कि जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो ग्लोबल सभी स्टॉक मार्केट से रिलेट करता है। मतलब कि अगर यूएस मार्केट में फॉल आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, वो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, जापान का स्टॉक मार्केट हो, जितने भी स्टॉक मार्केट हो, उसमें हमें देखने को मिलेगा। वी ऑल नो दैट कि हम जब भी हम सुबह ट्रेडिंग करते हैं तब हम ग्लोबल मार्केट में देखते हैं कि एग्जैक्टली यूएस मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा था, बिकॉज जैसे यूएस मार्केट परफॉर्म करता है वैसा ही कहीं ना कहीं हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट उस पर अफेक्ट करता है। एंड वी ऑल नो दैट कि अभी यूएस मार्केट के कंडीशन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट डाटा है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो सब लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप वॉरेन बफेट की बात करेंगे तो उन्होंने अपने जो प्रॉफिट है उनमें बुकिंग करी है, मीन्स वो उन्होंने अपनी मोर देन 50% तक की जो पोजीशन थी उसमें सेल किया है। ठीक है, इसके कारण लोगों को और पैनिक हो रहा है कि इतने बड़े इन्वेस्टर अगर अपनी पोजीशन सेल ऑफ कर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो रियल में आगे जाके इकोनॉमिक में रिसेशन आने वाला होगा। इसके अलावा अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है उसमें सुनेंगे तो उनकी एक क्लिप अभी बहुत फेमस हो रही है कि उन्होंने कहा था कि यूएस में एक इकोनॉमिक रिसेशन तो आएगा, वो थोड़े टाइम में आएगा या थोड़े टाइम बाद आएगा, लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। जिसके कारण लोगों को लग रहा है कि जब इतने बड़े जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है तो यूएस में डेफिनेटली इकोनॉमिक रिसेशन आएगा। वेल, इलेक्शन से पहले थोड़ा सा इस टाइप का आना नॉर्मल है, लेकिन ये न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेकेंड रीज़न की बात करें तो सेकेंड रीज़न है गाइज, जापान का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हाइक हुआ है। येस गाइज, जापान का इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, जिसके कारण जो जापान का स्टॉक मार्केट है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर भी पैनिक बढ़ रहा है, यूएस मार्केट में भी पैनिक हो रहा है। इसके कारण लोगों को लग रहा है कि स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग। देखिए, जो जापान का स्टॉक मार्केट था वो भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मंडे के दिन यहाँ पर आपको काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, इसके कारण क्या देखिए, ये फ्राइडे को भी 5.8% तक डाउन था, मंडे को वो 10% तक डाउन है। और अगर जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी हाइक हुआ है, अगर आगे जाके ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर पैनिक का सिनेरियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। येस, जिसके कारण क्या है, जापान में भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है और सभी को ये लग रहा है कि जापान का स्टॉक मार्केट डाउन है। यहाँ पर अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो वहाँ पर भी पैनिक का सिनेरियो बना हुआ है, लोग अपनी पोजीशंस से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट की कंडीशन अभी के टाइम पे बहुत बुरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा इंडियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डाउन आने वाला है? ओके गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर इंडियन स्टॉक मार्केट कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। देखिए, अगर हम देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी डाउन थे आज। तो क्या रियल में अभी के टाइम पर स्टॉक मार्केट क्रैश इज कमिंग? सो गाइज, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश किस सिनेरियो में कहा जाता है। वेल देखिए गाइस, अगर जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है वो 5% तक डाउन जाता है तो उसको हम पुल बैक कहते हैं। अगर मार्केट 5% फॉल हो रहा है देन इट इज़ पुल बैक। अगर मार्केट 10% फॉल हो रहा है तब हम उसे जाके करेक्शन बोलते हैं। मार्केट 20% तक फॉल हो रहा है देन हम उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। और अगर मार्केट 30% से ज़्यादा फॉल होता है ना तो जाके हम उसको क्रैश बोलते हैं। और अगर मार्केट 50% तक फॉल हो रहा है ना तो हम जाके उसे रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में हम देखा जाए तो जो हमारा यूएस मार्केट है, जो नैस्डैक है, उसमें हमें करेक्शन देखने को मिल रही है क्योंकि नैस्डैक 10% से ज़्यादा फॉल हुआ है। तो हम वो कह सकते हैं कि यूएस मार्केट करेंटली एक करेक्शन पीरियड में है। ठीक है, जबकि जो हमारा जापान का स्टॉक मार्केट है वो अभी बेयर मार्केट में है क्योंकि वहाँ पर हमें 20% से भी ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। बट उसका वजह यूएस में जो रिसेशन है वो नहीं है, उसकी वजह है क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है जिसकी वजह से जो जापान का स्टॉक मार्केट है वो डाउन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट, तो गाइज इंडियन स्टॉक मार्केट में तो अभी एक प्रॉपर पुल बैक भी नहीं आया है। ठीक है, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट अभी कितना सिर्फ ऑलमोस्ट 2 से 3% तक ही डाउन है, तो वो एक पुल बैक भी नहीं है। और अगर उसकी भी हम बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि मार्केट में ना बजट आया है। ठीक है, बजट आने के बाद हमें मार्केट में ना एक एक्सटेंड देखने को मिला था, एक अप मूव देखने को मिला था। जब मार्केट में इस तरीके से एक अप मूव देखने मिलता है तो इट्स वेरी कॉमन कि वहाँ पर हमें अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो हम कह सकते हैं कि येस, हमारे मार्केट में अभी एक सेल ऑफ चल रहा है बट अभी मार्केट में एक पुल बैक भी नहीं आया है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैशेस कमिंग, यहाँ पर आपका एक पैनिक का सिनेरियो बन रहा है। नो गाइस, जबकि अगर हम देखा जाए तो अभी हमारा जो विक्स है ना गाइज वो इंक्रीज़ कर रहा है। सडनली वहाँ पर 45% की इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिली है। दैट मीन्स कि विक्स अप्रॉक्सीमेटली 20% तक पहुँच गए हैं, जिसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और काफ़ी ज़्यादा फियर है। ठीक है, बट लुक एट द पॉजिटिव साइड, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं देन गाइज ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इस टाइम पे ना आपको काफ़ी बड़े बड़े मूव मिलेंगे जिसे आप कैच कर सकते हैं और मार्केट में बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स विक्स इंक्रीज है। अगर आपने आज भी ट्रेडिंग करी होगी देन आपको मालूम होगा कि आज प्रीमियम की वैल्यू कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी बिकॉज विक्स में इंक्रीजमेंट थी। इसके चलते अभी आपको अगले आने वाले 1 वीक में काफ़ी बड़े बड़े मूव मिलेंगे जिसे आप कैच कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट येस, आप ना ओवरनाइट जो पोजीशन है उसे होल्ड मत कीजिए बिकॉज अगर आप देखेंगे तो अगर इसके पहले जिसने भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करी होगी, आज मार्केट कितना ज़्यादा डाउन ओपन हुआ था जिसके कारण उन्हें लॉस हो जाएगा। और करेंटली अभी जो ग्लोबल न्यूज़ है वो भी अच्छी नहीं आ रही है, इसीलिए आप ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड मत कीजिए। आप इंट्राडे पे फोकस कीजिए। इंट्राडे में आपको काफ़ी अच्छे मूव मिलेंगे जिसके चलते आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पर क्या हमें हमारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, सो नो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि अभी स्टॉक मार्केट आई मीन टू से इंडियन स्टॉक मार्केट में करेक्शन तक नहीं आया है। ठीक है, ये एक छोटा सा पुल बैक है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जिसमें आप SIP कर सकते हैं या फिर आप अच्छा लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा टाइम है। येस, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा समझिए कि येस मार्केट का सिनेरियो किस साइड जा रहा है, उसके बाद ही आपको अपनी जो पोजीशन है उसको उस तरीके से बनाना है। अभी आपको यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड नहीं करनी है। इंट्राडे में ट्रेडिंग कीजिए, ये बेस्ट टाइम है क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे मूव मिलेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे मूव मिलेंगे। इसके अलावा गाइज, मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं रेगुलरली आपको फ्री कॉल्स प्रोवाइड करती हूँ कि कहाँ पर आपको आई मीन टू से इंट्राडे ट्रेडिंग के जो स्टॉक है वहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे अभी मैंने करेंटली यहाँ पर एनालाइज किया हुआ है, तो देखिए इस तरीके से मैं आपको रेगुलर बेसिस में एनालाइज करके बताती हूँ। तो अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग पे ना डिटेल से कोर्स बनाया हुआ था, आप वो कोर्स भी देख सकते हैं। उसके चलते आप खुद प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाएंगे और उसके वे में ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो आई होप जितनी भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट क्रैश वो यहाँ पर सॉल्व हो गई हैं। आपको कोई भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। येस, ग्लोबली न्यूज़ अभी थोड़ी बुरी चल रही है बट हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पे इतना इफेक्ट नहीं आया है। एंड ऑल्सो हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके बहुत ग्रोइंग है, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो येस, अगर आपने स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस बुक कर लीजिए, बिकॉज जितना भी न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है ना वो स्मॉल कैप पर सबसे ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ आप अपने SIP कंटिन्यू करिए, SIP आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि येस इट्स अ गुड टाइम, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। एंड ऑल्सो मुझे नीचे वीडियो में बताइएगा कि आपके क्या व्यू हैं रिलेटेड टू दिस स्टॉक मार्केट क्रैश, आपको क्या लगता है। सो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप इंप्रूविंग इन ट्रेडिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो सो दैट वो भी ज़्यादा पैनिक ना करें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल for more trading related videos, okay?